गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा खजुराहो का ट्रिप जो आज है वो पूरा हो गया है। खजुराहो टेम्पल्स यूनेस्को ने बहुत अच्छे मेंटेन किए हैं। जिस तरह से मेंटेन किए हैं ऐसा लगता है कि यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन अंदर एंट्री टिकट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ओनली 30 रुपीज़। ये जगह जिस तरीके की है, जिस तरह का ये रूम मुझे मिला हुआ है, ये एक लेक व्यू रूम है। सामने लेक है मेरे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पीछे लेक है और घाट बने हुए हैं। बहुत ही शानदार जगह है और टेम्पल से इसकी डिस्टेंस सिर्फ 2 मिनट है, हार्डली 2 मिनट्स। कॉस्ट कितनी होगी आपको क्या लगता है? रूम को भी दिखा देता हूँ। रूम है, टेम्पो नीचे खड़ी है। ये रूम मुझे सिर्फ मिला है 800 रुपीज़ में, ओनली 800 रुपीज़। फूड इज वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी गुड। लोग भी यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं। टूरिस्ट यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, इसलिए सब कुछ बहुत डिसेंट है। आप जरूर विजिट कीजिए, किसी भी एज ग्रुप में हो, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। और ये हनीमून कपल्स के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। मैं तो बोलता हूँ उनका डिवोर्स कभी होगा ही नहीं अगर वो यहाँ एक बार आ जाएंगे। कीप इट अप गाइस, हम गाड़ी स्टार्ट करता हूँ वाराणसी के लिए। थैंक यू। सुबह बहुत मस्त है, एक पुल से मैं गुजर रहा हूँ। बाइक के ऊपर मैं खड़ा हूँ कि शायद आपको थोड़ा दूर का नज़ारा दिखा पाऊँ। और रोड देख लीजिए आप, थोड़ा सा उतना प्रॉपर नहीं जितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर आगे पन्ना टाइगर रिजर्व जगह है, नेशनल सेंचुरी है वो, यहाँ पे टाइगर भी है। और इस नेशनल पार्क से अभी मैं निकल रहा हूँ। यहाँ क्या क्या शेड्यूल है, क्या टिकट्स हैं, वो जरा एक बार मैं देखूंगा, उसके बाद डिसीजन लेता हूँ कि मैं यहाँ रुकूँ या आगे जाऊँ। ये कुछ लोग हैं, जरा इनसे बात करता हूँ। इनसे बात करके मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक बहुत नेचुरल वाटरफॉल है, उसको पांडव फॉल कहते हैं। और मैं अब पांडव फॉल जाने का मैंने डिसीजन लिया है। तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, वाराणसी पहुंचना यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी। मेरे पीछे पानी टपक रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा पीछे जाऊँगा तो मेरे डिवाइस में पानी जाएगा। और ये कहाँ से टपक रहा है मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। Look at there. और ये है पांडव केव, जहाँ पे उन्होंने 11 साल का एक टाइम निकाला। ये है मेरा गाइड जो मुझे यहाँ के बारे में बता रहा है। नाम क्या है आपका? पंकज तिवारी। पंकज, जब भी आप यहाँ पर आते हैं जी, तो पंकज से कांटेक्ट कर सकते हैं। पंकज हाय, हाय कर दो अपने दोस्त सबको। एक बार मैं और दिखाता हूँ आपको, देखिए माय गॉड क्या व्यू है। थोड़ा रिस्की है लेकिन कैप्चर करता हूँ। कोई बारिश नहीं हो रही है, ये वाटरफॉल है। अब मैं आ गया हूँ पांडव केव्स के अंदर। जैसा कि मुझे मेरे गाइड बता रहे हैं कि ये हमेशा ठंडा रहता है, चाहे यहाँ गर्मी कितनी भी पड़े। और ये पांडवों ने खुद बनाया था। और ये विंडो है, शायद ये उनका रूम है, ड्राइंग रूम। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, देखिए आप जो वो लोग फील करते होंगे, शायद मैं आपको फील करता हूँ। वेरी नाइस।
ये जो पानी है वो बाहर की तरफ है और मैं अभी अंदर की तरफ हूँ। जैसे आपने देखा होगा वाटर कर्टन्स जैसे होते हैं 5 स्टार होटल में, एकदम वैसा ही फील आ रहा है। मैं अंदर की तरफ हूँ और पूरी लाइन से पानी जो है, फॉल जो है वो दिख रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा, और ये प्राकृतिक जगह है, मतलब बहुत नेचुरल प्लेस है। मछलियाँ, पानी यहाँ पे ग्रीन है, और इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे 12 महीने पानी भरा रहता है और गहराई है वो थोड़ी ज़्यादा है। ये पानी जो है चट्टानों के अंदर से धीरे धीरे कहीं ना कहीं से रिस के आ रहा है, और ये 12 महीने पानी आता रहता है। ये भी कुदरत का कमाल है कि यहाँ पे गर्मियों के अंदर भी पानी आता ही रहता है। यहाँ पे रात के टाइम में बता रहे हैं कि जो भालू है, रीछ, वो भी आते हैं, और सुबह जब सनराइज हो जाता है उसके बाद में वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जगह पे आप 5 बजे बाद में एंट्री नहीं है, क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे जानवर जो होते हैं वो आते हैं रात को। अब उस जमाने में पांडव किस तरीके से यहाँ रहते थे, किस तरीके से उन्होंने इस जगह को बनाया, अपने रहने की जगह बनाई, ये सोचने के काबिल बात है। बहुत ही कूल प्लेस। इस जगह की ब्यूटी को ये जो पानी है, ये जो वाटरफॉल है, इसने बहुत बड़ा रखा है। ये है पांडव फॉल का प्राकृतिक जल जो पहाड़ों में से, चट्टानों में से आ रहा है। मैं इसको प्लेस करता हूँ और प्यास भी मुझे बहुत लगी है। मीठा पानी है, बहुत ही अच्छा पानी है। वाराणसी अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर दूर है और मुझे काफी टाइम लगने वाला है। एमपी की रूट्स देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई कस्बे नहीं है, बड़ा अनटच जैसा स्टेट लग रहा है ये। और मैं अब इलाहाबाद आ गया हूँ ऑलमोस्ट, ये एक ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही इलाहाबाद जो है वो चालू हो जाएगा। और देखिए ये गंगा के ऊपर से मैं खड़ा होकर बाइक को आपको नजारा दिखाता हूँ, जितना दूर तक का दिखा सकता हूँ। दोनों तरफ लाइटिंग है, बहुत दूर दूर तक लोग, शहर के बीच में से ऐसा लग रहा है कि शहर के बीच में से है ये पुल, ये ब्रिज। अब यहाँ से वाराणसी ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है, और रूम में जल्दी वहां पहुंच के अपना रूम ले लूंगा। फ्रेंड्स, फाइनली मुझे रूम मिल गया है वाराणसी में, और मैंने काफी थोड़ा ढूंढ के जो एक मेन स्पॉट है, मैंने जो रूम लिया है वो यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट पे लिया है। हरिश्चंद्र घाट का ज़्यादातर लोगों को शायद पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये काशी का एक इम्पॉर्टेंट घाट है जहाँ पे पूरे इंडिया से शव, डेड बॉडीज लाई जाती हैं और उनका अंतिम संस्कार होता है। हिंदू लोगों में मान्यता है कि वो काशी में चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हो, या अंतिम संस्कार कहीं और भी हो रहा है तो उनकी अस्थियां यहाँ गंगा जी में विसर्जित की जाएं। तो पूरे दिन 24 घंटे यहाँ पे चलता रहता है। मैं भी आपको कमरे के बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ, और पूरी दुनिया से लोग इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च के लिए यहाँ पर आते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा, मैंने आपको खजुराहो जो टेम्पल है वो दिखाया,
लव मेकिंग के जो तरीके हैं, जितना भी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जितना सक्सेसफुल तरीके से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो सकती हैं, वो वहाँ पे हुई हैं। यूनेस्को ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। वो ज़िंदगी का एक तरीका है और ये ज़िंदगी की दूसरी सच्चाई है जो एक्सेप्टेड है, हमें करनी ही है। हम कर भी चुके हैं कि हम आए हैं तो हमें जाना भी है। तो एक वो रंग था और अब एक ये रंग जो है, जो मैं आपको दिखाऊंगा हरिश्चंद्र घाट के ऊपर और पूरी वाराणसी के अंदर जितने जो घाट हैं, यहाँ पे 80 घाट हैं, इनको 84 घाट बोलते हैं एक्चुअली, जगह का नाम है 84 घाट। और पूरे घाट जो हैं ये मैं आपको विजिट करवाऊंगा और इनकी इम्पोर्टेंस बताने की आपको कोशिश करूंगा और समझा पाऊंगा। जो कभी काशी यार नहीं भी आए हैं, बनारस नहीं भी आए हैं, वो इन घाट्स को इस वीडियो के थ्रू पूरी तरीके से समझ पाएंगे। और जो भी चार्जेस हैं, जिस तरह से कश्ती होती है, जिस तरीके से हमें पेमेंट लोगों को देना है, या होटल किस तरीके से बारिंग करना पड़े करके हमें लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। गुड नाइट। हाँ, अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ हाथ का।